जय भोले बाबा जी। हाँ जी भाई, सर जलंधर पंजाब से बात कर रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी भैया जी बताइए। भैया किन्नौर का ट्रैक करना था, उस रिगार्डिंग आपको हमने कॉल किया था। हाँ जी, हाँ जी बताइए, क्या क्या मदद चाहिए मेरी। भाई ऐसे था, मतलब मेरे को जानना था कि मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा या कैसे होगा, मेरे हाँ, को सारा आप बताओ। जैसे ये श्रीखंड महादेव का हुआ है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह हाँ जी ऐसे ही होगा। तो हमने बाबा जी चैनल पे जो भी अपडेट आ रहे हैं ना किन्नौर कला जी के, उनकी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। जी, तो वो 1 तारीख को खुल रही है ना। हाँ जी खुल रही है अभी, अनऑफिशियली इसका न्यूज आई थी, पर ऑफिशियली भी 1-2 दिन में वेबसाइट पे इनकी आ जाएगा, तो उसकी भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। और दोनों ओके, को इसका लिखा हुआ मणिमहेश का आ गया है, मणिमहेश का आ गया, किन्नौर कला जी का। हाँ जी, 1 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक खुल रही है ये ना, वो दो जी रूटों से यात्रा होगी इसकी। अभी मेडिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं आई है, तो बाबा जी चैनल पे हमने वीडियो बना के डाली हुई है, उसको आप देखते रहिएगा। जैसे भी कोई अपडेट आएगा ना किन्नौर कला जी का, जी हम वीडियो बना के डाल देंगे। इसके अलावा यात्रा पे जाने से पहले जब मैं यात्रा करके आया था, तो मैं पूरी यात्रा का रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ वो मैंने और अपने। आप मेरे को ये बताइए, जैसे हमने ना मणिमहेश की हुई है 5 बार, अच्छा ठीक है, ते और केदारनाथ भी मैं जाकर एक बार, तो ना ऐसा था कि मतलब कितना का टफ होगा मेरे लिए वो। अच्छा मैं कंपेयर तो नहीं कर सकते यात्राओं को, क्योंकि हर यात्रा का अपना एक महत्व है, फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मणिमहेश से आप 3 गुना मुश्किल मान के चलें। जी, और कितने किलोमीटर का ट्रैक है ये प्रभु जी मुझे भी देखना पड़ेगा, जब मैंने किया था ये होगा मुश्किल से आपका, ये होगा 18-19 किलोमीटर का एक साइड का, ठीक है। तो इसके लिए जब मैंने किया ना, तो मैंने इसकी पूरी सीरीज बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो पूरी सीरीज देख लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह का ट्रैक है, क्या चलना पड़ता है, कहाँ खाने का है, कहाँ रुकने का है, कैसे दर्शन होते हैं, ठीक है। और साथ में फिर गाइड भी लेके जाना पड़ेगा हमें। नहीं नहीं गाड़ी गाइड का खर्चा बढ़ाने से अच्छा है, एक्चुअली क्या है अभी तक तो क्या है कि जो ये है गणेश पार्क के ऊपर जगह थी गुफा जहाँ पे टेंट लगाते हैं, तो या तो ऑप्शन ये है कि आप गणेश पार्क में रुक जाएं फिर अगले दिन निकलें सुबह जल्दी। अगर आपको गुफा पे रुकना है तो फिर नीचे भंडारे वाले आपको टेंट फ्री में देते हैं, 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं और टेंट आपको देते हैं, फिर उसके उठाने के लिए एक पोर्टर करना पड़ता है आपको, पोर्टर प्लस गाइड दोनों ही काम कर देता है वो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे ही अपडेट आएंगे जो भी होगा मैं उसकी वीडियो बना के डालता रहूंगा, बाकी पुरानी सीरीज देख लीजिएगा उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा, ठीक है जी। तो वहाँ पे तो अभी ठंड वगैरह भी बहुत होगी ना, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। एक तो हम वहाँ शिमला में पहुँच जाएंगे इस तारीख को ना। शिमला पहुँच जाएंगे, शिमला से आपको रिकोंगपियो की बस मिल जाएगी सीधी, वो सीधा आपको वहीं उतारेगी रिकोंगपियो, और वहीं से फिर आपकी भंडारे वगैरह हैं, भंडारों में रुक के अगले दिन आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं जी, ठीक है। बाकी चैनल पे थोड़ा अपडेट रहिएगा, जो भी अपडेट आएंगे हम चैनल पे डालते रहेंगे, ठीक है। ओके।